सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एक छोटे से छोटे बिंदु पर मैं काफ़ी विस्तृत चर्चा करूँगा, आपको कोशिश करूँगा कि ये अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। तो अब तक हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो जाना उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि मैक्स वेबर बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, और उन्होंने ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिद्धांत दिया है ये एक सोशल थ्योरी है। बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है। उन्होंने एक सामाजिक संगठन की मतलब रूपरेखा बनाई है, ना कि एक प्रशासनिक संगठन की। ये अलग बात है कि हम इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है। तो इसको हमें इसी तरीके से दिमाग में रखना होगा कि ब्यूरोक्रेसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए। भले ही हम इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, नौकरशाह कहलाते हैं, लेकिन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको हम कैसे कह सकते हैं कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें होती हैं जो ब्यूरोक्रेसी को भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाती हैं। सबसे पहला ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पद, ठीक है, उसके प्राधिकार, राइट्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे उदाहरण के लिए माता है, पिता है, तो माता के पिता के जो भाई पद है, पिता है तो पद हो गया, ठीक है। उसके बाद उस पद का एक मतलब कुछ राइट्स हैं और कुछ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हैं। जब अधिकार किसी पद के साथ जुड़ जाते हैं तो उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती हैं। ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर जो जिस पद को धारण करता है, ठीक है, उस पद के अनुरूप उसको कार्य करना होता है, उस पद के अनुरूप उसको अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे घर में जो सबसे बड़ा है, मान लीजिए फादर हैं, तो असली बात है अधिकार हैं, सब लोग उनकी बात मानते हैं और मानते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चलता है, समझ रहे हैं ना। तो हर पद के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो फिक्स होती हैं, प्राधिकार फिक्स होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। माँ है तो माँ क्या काम करेगी, बेटा है तो भाई बच्चे का क्या काम है, ठीक है, दादा हैं, बाबा हैं, जो भी हैं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पद, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वेल डिफाइंड होती हैं। हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड रोल होते हैं, सुपरिभाषित भूमिकाएं होती हैं हर एक की, सबकी भूमिकाएं फिक्स हैं, कौन क्या करेगा, और वेल डिफाइंड है। और इसी वेल डिफाइंड रोल होने के कारण ही हम किसी को तय कर पाते हैं कि भाई ये अच्छा एक पिता है या एक अच्छी पत्नी है या खराब है, या मतलब जो भी है, हम अच्छा या बुरा जो भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं कि हर पद का जो रोल है वो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, और इसी कारण से हम तय कर पाते हैं। तो जैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेल डिफाइंड रोल होता है और हर किसी से हम एक वेल डिफाइंड बिहेवियर की आशा करते हैं कि भाई इस तरह से ये व्यवहार करेगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो पिता डांट रहे हैं तो हम ये आशा करते हैं कि बच्चे जो हैं वो शांत मतलब होके सुनेंगे उनकी बात को, यदि वो समझा रहे हैं, डांट रहे हैं तो पलट कर जवाब नहीं देंगे। ये एक कॉमन बिहेवियर है जो हम एक अपेक्षा करते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा होगा। यदि टीचर डांट रहे हैं तो हम
उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, कोई प्रतिक्रिया जब तक बहुत आवश्यक ना हो नहीं देंगे, और देंगे तो एक बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर के साथ, समझ रहे ना। तो हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हर पद पर जो व्यक्ति है, चाहे एक वो शिक्षक के रूप में है, चाहे एक स्टूडेंट के रूप में है, पुत्र के रूप में है, बेटी के रूप में है, पिता, किसी भी रूप में है, उससे हम एक वेल डिफाइंड बिहेवियर की आशा करते हैं, और उसी बिहेवियर के आधार पर हम उस व्यक्ति का जो है एक कैटेगराइजेशन करते हैं अच्छे बुरे या भले व्यक्ति के रूप में। और चूंकि हर चीज़ वेल डिफाइंड है, इसलिए उसमें एक पूर्व कथनीयता होती है। पूर्व कथनीयता का तो होता है कि हम पहले से कह सकते हैं कैसा होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि पिता ने आदेश दिया तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ने उस बात को मान लिया, पूर्व कथनीयता संभव हो पाती है, क्योंकि जो रोल है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। और यदि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका का उल्लंघन करता है, अपनी भूमिका का ठीक से पालन नहीं करता है, तो डेफिनेट है कि उसे सामाजिक निंदा का या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई पिता यदि अपने जो पिता के दायित्व हैं बच्चों की ठीक से केयरिंग करना, ठीक है, उनको जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फादर के रूप में, यदि कोई व्यक्ति नहीं निभा रहा है तो सामाजिक निंदा उसको झेलनी पड़ती है। तो हर पद का, जैसे पत्नी है या पति है, यदि वो अपनी वेल डिफाइंड जो उसकी रोल है, यदि उसको जो एक हम आशा करते हैं कि भाई पत्नी ऐसी होगी या पति अपने जो है पत्नी का ध्यान रखेगा, बच्चों का ध्यान रखेगा, तो जो भी उसका वेल डिफाइंड रोल है यदि उसको वो नहीं करता है तो उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जो है वो समाज करता है। जैसे कि हर गांव के कुछ नियम होते हैं, अब मान लो किसी गांव के सदस्य ने कोई ऐसा नियम विरुद्ध कार्य कर दिया जो उस समाज को स्वीकार नहीं है, तो उसे सामाजिक परनिंदा का सामना करना पड़ता है, कभी कभी गाँव से निकाल भी दिया जाता है या कुछ सजा भी दे दी जाती है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो समाज करता है यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका का उल्लंघन करता है। तो ठीक, अब यही चीज़ आप देखिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखिए। ब्यूरोक्रेसी में भी हर पद का पद पहले तो निश्चित है, ठीक है, कि कौन सबॉर्डिनेट है, मतलब कौन जो है सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। हर पद का अधिकार फिक्स है कि क्या उसके पास अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं उसके पास, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड होती हैं, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर पद का प्राधिकार और उसका उत्तरदायित्व फिक्स होता है, वेल डिफाइंड होता है, और उसका हर किसी का वेल डिफाइंड रोल होता है। अपनी सीमाओं का उल्लंघन कोई भी नौकरशाह नहीं करता, उसकी सीमाएं सुपरिभाषित हैं कि वो यही कार्य कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। यदि उसकी सीमा में नहीं आता तो वो उसे करने से मना कर देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व कथनीयता यहाँ भी है। जैसे मैं कि जैसे सुपीरियर बॉस ने यदि कोई आदेश दिया तो सबॉर्डिनेट उस बात को स्वीकार कर लेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, पूर्व कथनीयता है। मतलब पूर्व कथनीयता का अर्थ होता है कि हम पहले से कह सकते हैं कैसा होगा, ठीक है ना। और हर किसी से हर पद का एक सुनिश्चित व्यवहार जो है हम अपेक्षित होता है कि भाई वो इस तरह से व्यवहार करेगा। जैसे उदाहरण के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि आप बैठे हैं और आपके कमरे में आपका सुपीरियर बॉस आता है तो आपसे आशा व्यवहार किया, मतलब आशा की जाती है कि आप खड़े होकर उसका स्वागत करेंगे, ओके तो ये एक व्यवहार अपेक्षित है उससे। या जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि आप कार में हैं तो यदि आपका बॉस आपके साथ कार में बैठ रहा है पीछे की तरफ तो आप उसे अपनी लेफ्ट साइड में बिठाएंगे, ये व्यवहार अपेक्षित है उससे, ठीक है ना। तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जैसे प्रोटोकॉल में होता है कि भाई कोई यदि कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई सांसद या विधायक आ रहा है तो एक ब्यूरोक्रेट से एक सुनिश्चित व्यवहार अपेक्षित होता है कि कौन किसका स्वागत करेगा, किस तरह से करेगा, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा,
किसको क्या बोलना है, क्या संबोधन है, हर चीज जो है वो सुपरिभाषित है और उससे एक सुपरिभाषित व्यवहार की आशा की जाती है, एक वेल डिफाइंड बिहेवियर की आशा की जाती है। और यदि अपने दिए रोल को यदि कोई ब्यूरोक्रेट उसका उल्लंघन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा होते हुए हम अक्सर करके देखते रहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर को जो है वो ब्लैक मतलब कोट पैंट जो भी एक निर्धारित ड्रेस है वो पहननी पड़ती है। अब यदि आप उसका नहीं पहने तो ऑब्वियसली बात है कि जो है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हमने होते हुए देखी है। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, आप यदि न्यूज़पेपर को उठाकर देखेंगे तो इस तरीके की एक घटना हुई थी। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है, हम हर किसी से एक वेल डिफाइंड बिहेवियर की आशा करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, और यदि कोई भी व्यक्ति उस वेल डिफाइंड बिहेवियर को यदि उसका उल्लंघन करता है, प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। एक ब्यूरोक्रेट से एक आशा की जाती है कि वो किस तरह से व्यवहार करेगा, विनम्रता से ठीक है व्यवहार करेगा, उसकी भाषा जो होगी बहुत शालीन होगी, और यदि कोई भी ब्यूरोक्रेट यदि उस तरीके की भाषा से हटकर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। अमूमन जैसे आम आदमी ही आपस में एक दूसरे से जो है गाली गलौज करते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो सामाजिक परिनिंदा में नहीं आता, लेकिन ब्यूरोक्रेट के लिए कहीं ना कहीं एक हम आशा करते हैं कि वो उसकी भाषा जो होगी वो बहुत शालीन होगी, सभ्य होगी, विनम्रता उसके अंदर होगी और इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखेगा, और यदि इसका उल्लंघन वो करता है तो उसे सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ब्यूरोक्रेट से एक आशा करते हैं कि भाई वो इस तरह से व्यवहार करेगा, और कभी कभी उसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी ठीक है डिसिप्लिनरी एक्शन भी उसके खिलाफ किए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक समाज के अंदर होता है, ठीक ऐसा ही आप देखिए तो जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है ठीक वैसा ही जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो रहा है। अब दूसरी क्या चीज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। देखिए हर समाज के कुछ नियम होते हैं, ठीक है रूल्स होते हैं, कुछ उसकी प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ आचार विचार होते हैं, ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप जो है कुछ आदतें होती हैं, ठीक है दृष्टिकोण होते हैं, कुछ विचार होते हैं। मतलब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जब एक बच्चा पैदा होता है कि तो उसे नहीं पता होता कि हम अपने अपने बड़ों से किस तरह से व्यवहार करना है, पिता से कैसे बोलना है, माँ से कैसे बोलना है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कैसे बोलना है या और मित्रों से कैसे बोलना है। तो जब एक बच्चा बड़ा होता है तो ये जो सोशलाइजेशन है ये उसे परिवार सिखाता है, सबसे पहली पाठशाला जो है वो परिवार है, परिवार उसको सिखाता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो ये जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, और हर समाज की अपनी कुछ रिचुअल्स होती हैं, कुछ उसके नियम होते हैं, हर एक के अलग अलग होते हैं, कुछ आदतें दृष्टिकोण विचार होती हैं, ड्रेस सेंस हर कुछ आप देखेंगे अलग अलग समाजों का जो है वो अलग अलग होता है, और अपने समाज के अनुरूप जो आचार विचार पहनावा खान पान ठीक है उसकी त्यौहार रिचुअल्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे मनानी है कैसे करनी है वो जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है समाजीकरण की, इसी को कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया, मतलब समाज के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया, ठीक है जैसा समाज है ठीक वैसा ही उस बच्चे को गढ़ा जाता है बनाया जाता है, और ये आशा की जाती है कि वो अपने समाज के अनुरूप जो उसकी कुछ समाज की जो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं नियम हैं आदतें हैं दृष्टिकोण हैं विचार हैं उनके अनुरूप जो है वो कार्य करेगा। तो समाजीकरण किया जाता है किसी भी एक बच्चे का, तो कैसे किया जाता है वो समाज उसको सिखाता है और हर कदम पर उसे सिखाता है।
ये नहीं कि केवल बच्चा बड़ा हो गया तो उसको जो है समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो है सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है भाई, अब मान लो मैरिज होने जा रही है तो किस तरह से उसे बिहेव करना है, क्या करना है, मैरिज होने के बाद जो है यदि बच्चों का जन्म होता है तो किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो सोशलाइजेशन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही अब एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस, ठीक है, आचार विचार हैबिट्स, उसके विजन दृष्टिकोण विचार, ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ढाली जाती हैं। एक ब्यूरोक्रेट जब एक कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट होकर आता है किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उस व्यक्ति को उसके सीनियर ढालते हैं। देखिए हर एक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सेना है तो सेना में अलग तरीके के बिहेवियर हैं, ठीक है, प्रशासन है उसके अलग हैं, और प्रशासन में भी अलग अलग आप ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो सबका अपना अपना हिसाब हो सकता है ना, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ढालने का काम जो है वो सीनियर्स करते हैं। जैसे एक बच्चे के सोशलाइजेशन का काम माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, टीचर या समाज के और लोग करते हैं, ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रशासनिक संगठन है, उसके अनुरूप ढालने का काम जो है वो सीनियर्स करते हैं। जो सुपीरियर बॉस हैं वो सिखाते हैं कि भाई कैसे बिहेव करना है, कैसे लिखना है, क्या एक एक चीज़ को वो सिखाते हैं, और जहाँ भी उसका डिसोबे होता है, जहाँ भी उसकी मतलब ठीक तरीके से पालन नहीं हो पाता तो सीनियर जो है उसको चेतावनी के माध्यम से, निंदा के माध्यम से या दंड के माध्यम से या समझा बुझा कर, मतलब कई उसकी भी प्रक्रिया फिक्स हैं, ऐसा नहीं कि सीधे जो है वो मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसका भी एक प्रोसेस है। पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगने के बाद उसकी बात सुनी जाएगी, फिर दोबारा स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद जो है वो चेतावनी, निंदा, मतलब लॉट्स ऑफ प्रोसेस देयर, तो उसका भी एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे समाज में एक प्रोसेस है, मान लो एक बच्चा ऊधम कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो पहले उसको केवल एक बार चेतावनी दी जाती, डांटा जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं उसी गलती को करता है तो हो सकता है और ज़्यादा डांट पड़े, तो ऐसा नहीं कि सीधे जो है उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो हर जैसे एक समाज के अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक ऐसे ही प्रोसेस जो है वो एक प्रशासनिक संगठन में भी किया जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे एक समाज के अंदर समाज के लोग एक बच्चे का समाज के अनुरूप, ठीक है, सोसाइटी के अनुरूप उसको ढालते हैं, ठीक इसी तरह से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संगठन में जब एक व्यक्ति चयनित होकर आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप उसे ढालने का काम, ठीक है, उसके सुपीरियर्स, उसके बॉस या अन्य लोग करते हैं, उसे सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो मैंने आज आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो और वैसे भी आप देखिए कि एक जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम तो समाज के लिए ही करता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। एक प्रशासक जो करता है उसका असर समाज पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं समाज को बदलने में प्रशासन जो है वो एक महती भूमिका, एक अग्रणी भूमिका, या हम कहें एक मसीहा के रूप में उसकी एक भूमिका रहती है। तो एक प्रशासक जो करता है उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ता है, और समाज जो करता है उसका भी असर जो है वो एक प्रशासक पर पड़ता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है,
और इसी रूप में जो है जो मैक्स वेबर है वो उसने ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और इसी बात को एंथोनी गिडेंस जो है वो अपनी बुक द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर है, नौकरशाही एक संरचना है, ठीक है, और कुछ हैबिट्स का समूह है, कुछ आदतों का समूह है, ठीक है, हम उस आशा करते हैं उस संरचना में कि इस तरीके की आदतें, इस तरीके के व्यवहार किए जाएंगे, और पुनरावृत्त व्यवहारों का प्रतिमान है, मॉडल है एक एक ऐसे व्यवहार जो पुनरावृत्त हैं। पुनरावृत्त का मतलब होता है कि बार बार दोहराए जाने हैं, ठीक है, यानी कि एक वेल सेटल्ड वेल डिफाइंड बिहेवियर्स का मॉडल है, ठीक है। कुछ आप कितने भी सीनियर होते चले जाएंगे लेकिन आपको हर स्टेप पर वेल डिफाइंड बिहेवियर की आपसे आशा की जाएगी, और नौकरशाही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो नियम जैसी प्रक्रिया में बंधा हुआ है, यानी कि उसके हाथ बंधे हैं, नियमों के अनुरूप ही उसको अपना काम करना है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अपना काम करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल अपना काम करना है, और किसी भी स्टेप पर नियम कानून का या चैनल का जो थ्रू प्रॉपर चैनल है उसका उल्लंघन नहीं करना है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक नियम आधारित, ठीक है, नियम से नियंत्रित संगठन है, संरचना है। तो हम कह सकते हैं जैसे समाज है, सोसाइटी है, समाज भी एक नियम आधारित संगठन है, वहाँ भी नियम होते हैं, और कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियम प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो सामाजिक निंदा, अनुशासनात्मक कार्रवाई का उसको सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रशासनिक संगठन के अंदर, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी नौकरशाह नियम प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसे जो है निंदा या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अब जो हमें समझना है वो ये कि नौकरशाही, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एक जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अब कैसा ऑर्गेनाइजेशन है ये अब हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना जो है वो मैक्स वेबर ने की है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब मैं उसके विषय में चर्चा करूँगा। तो अब तक मैंने ब्यूरोक्रेसी के विषय में आपको एक उसकी पृष्ठभूमि तैयार की, आपको सारी चीज़ें मैंने शुरू से बताई, मैक्स वेबर ने किस तरह से जो है मतलब ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया, क्यों किया, किस मूलभूत प्रश्न से लेकर उसने अपनी बातें शुरू की, ठीक है, सत्ता क्या है, ठीक है, शक्ति क्या है, और किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी एक सत्ता है, वो सारी चीज़ें मैं डेवलप करता हुआ अब यहाँ तक मैं आपको लेकर आया हूँ। और अब नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की मैं करैक्टरिस्टिक्स आपको बताऊँगा कि क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और क्यों ब्यूरोक्रेसी जो है किसी भी एक राष्ट्र की जो है अनिवार्यता बन जाता है, जब भी कोई देश उससे शासित होता है तो क्यों उसकी वो अनिवार्यता, उसकी बाध्यता बन जाता है, इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो भी कुछ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको समझ में आता होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरीके का कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, और कोई भी सुझाव है वो भी आप दे सकते हैं, और आशा करता हूँ कि यदि आपको पसंद आएगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं भी मेरा उद्देश्य जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चूँकि जब हम पढ़ा करते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मैं आपको बता दूँ मैं एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई, तो उन सारी दिक्कतों को हमने महसूस किया, झेला, लेकिन काफ़ी लोगों की उसमें हमें मदद भी मिली, जिससे भी हम कोशिश करते थे डिस्कशन करने की, तो बहुत सारी चीज़ें जो सीखी पढ़ने के दौरान, वही कोशिश मैं आपको करता हूँ कि सरल शब्दों में मैं आपको बता पाऊँ, और एक ब्यूरोक्रेट के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली मैंने अनुभव की हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं होंगे, और यदि आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में मैं ब्यूरोक्रेसी के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।